वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए रुक करते हैं खबरों की और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की। जखेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायिका यशोदा वर्मा को छत्तीसगढ़ भाषा में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा भी अपने पारंपरिक लुक में पहुंची। वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यशोदा वर्मा को गुलदस्ता भेजकर उन्हें शुभकामनाएं दी। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, सांसद ज्योतिष्णा महंत सहित अनेक मंत्रीगण, संसदीय सचिवगण, विधायकगण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईवे पेट्रोलिंग और मानक तस्करी की रोकथाम के लिए 61 वाहनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। हाईवे पेट्रोलिंग के तहत 15 आर्टिका वाहन, मानक तस्करी विरोधी इकाई के 24 आर्टिका वाहन और कानून व्यवस्था हेतु 22 बोलेरो वाहन शामिल किए गए। छत्तीसगढ़ में बालोद जिला मुख्यालय के आसपास ग्रामीण अंचलों पर इन दिनों हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई चल रही है, जिस पर लगाम लगाने में प्रशासन बेबस नजर आ रही। शहर के विख्यात अवैध लकड़ी का काला बाजारी करने वाले आरा मशीन संचालकों की ओर से जिम्मेदार अधिकारियों से सांठगांठ पर भोले भाले ग्रामीण किसानों ने से उनके खेतों में लगे प्रतिबंधित अर्जुन वृक्षों को धान कटाई के समय से ही कम दाम में खरीदते ले और चिन्हांकित कर मशीन के जरिए कटवा कर चंद सिक्कों के लिए पर्यावरण से खिलवाड़ करते ये लोग नजर आ रहे हैं। आज बालोद क्षेत्र में इतनी कटाई हो रही है अवैध रूप से, उसमें प्रशासन कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, कैमरा से क्यों ये नहीं निकाला जा रहा है कि वृक्षों को कहां से कहां ले जाया जा रहा है। और आज बालोद जिले में आरा मशीन जिसमें बड़े बड़े पेड़ों को अवैध रूप से भेजा जा रहा है, पर्यावरण प्रेमी जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा एक चुनौती है। हालांकि प्रशासन उन पे ध्यान नहीं दे रही है और इस पे ध्यान दे और अवैध रूप से जो कटाई हो रही है प्रशासन को उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। सुकमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां नशीले पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक कार से करीब 64 किलो गांजे के साथ तीन तस्करों को पकड़ने में सफलता पाई है। तस्करों की ओर से कार के पीछे सीट पर लोहे का बॉक्स बना करके और ब्रेक लाइट के अंदर गांजा भरकर बिहार की ओर ले जा रहे थे। पकड़े गए गांजे की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ अतिथि शिक्षक कल्याण संघ ने आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। कलेक्टरेट पहुंच इन कर्मियों का कहना है कि विगत 7 वर्षों से बस्तर संभाग के सभी जिलों में स्थानीय शिक्षित युवक पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। वहीं शासन ने नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती क्षेत्रों की शालाओं में शिक्षा का अलख जगाने हेतु अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की थी। वहीं 7 वर्ष बाद भी इनकी पदोन्नत नहीं हो पाई है। बस्तर संभाग में 1800 अतिथि शिक्षक हैं जिन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य शासन की ओर से आउटसोर्सिंग शिक्षकों को राज्य अतिथि शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। आज बस्तर जिला शिक्षण सेवक संघ कमिश्नर कार्यालय ज्ञापन देने गए थे अतिथि शिक्षक संघ को राज्य अतिथि शिक्षक संघ में समायोजित करने के विषय में, और कमिश्नर सर तो नहीं मिले, उनके अनुपस्थित में डिप्टी कमिश्नर सर को ज्ञापन सौंप के आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले को मैं आगे भेजूंगा करके। बिलासपुर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने दर्जन भर से अधिक ट्रेनों के परिचालन और स्टॉपेज को लेकर के बताया कि विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों की स्टॉपेज की जाए। वहीं मांग जल्द ही ट्रेनों के परिचालन नहीं होने पर सप्ताह भर के भीतर रेल रोककर आंदोलन प्रदर्शन करेगी। जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी ने कहा कि रेलवे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। कोरोना के नाम पर बिलासपुर जिले में लगभग सभी
ट्रेनें जो 100-100 साल से जो ट्रेनें जिस स्टॉपेज पे रुकती थी उनका परिचालन बंद कर दिया, उनका स्टॉपेज बंद कर दिया। बिलासपुर पैसेंजर चलती थी उनका स्टॉपेज बंद कर दिया गया। बिल्हा विधानसभा के अंतर्गत जो ट्रेनें चलती थी, चाहे वो इंटरसिटी हो, जो लोग जाते थे, सभी स्टेशनों में हमारे जनप्रतिनिधि, रेलवे मास्टर या रेलवे के जो उच्च अधिकारियों को आम जनता के साथ ज्ञापन देंगे। उसके बाद रेलवे जीएम के धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सुकमा में पुनर्वास नीति और जिला पुलिस सुकमा की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। वहीं 3 नक्सली चिंतल नार क्षेत्र के निवासी हैं। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर सामने आ रही, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगती नजर आ रही है, जहां नक्सलियों को गिरफ्तार करते पुलिस नजर आए। और इसी से साफ पता चलता है कि किस हिसाब से पुलिस जो है वो सतर्कता से और मुस्तैदी से यहां पर काम करती नजर आ रही है। जहां आपको बता दें कि पुनर्वास नीति और जिला पुलिस सुकमा की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत ये 3 नक्सली जो है वो उन्होंने आत्मसमर्पण किया। वहीं 3 नक्सली जो हैं वो उनके आत्मसमर्पण के बाद पुलिस द्वारा ये बात कही गई कि किस प्रकार से ये अभियान चलाया जा रहा है और किस प्रकार से उस पर कार्य करती पुलिस जो है वो नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इस सफलता के बाद से ही जो बाकी नक्सली हैं, बाकी अपराधी हैं, उनके मन में भी भय का संचालन होगा और उसके बाद वो भी आत्मसमर्पण करते नजर आएंगे। पुलिस हालांकि काफ़ी मुस्तैदी से काम करती है नजर आ रही है ताकि यहाँ के लोगों का जीवन यापन सरल हो सके। जिस तरीके से नक्सलियों से परेशान यहाँ के लोग हो जाते हैं, उन सभी के लिए पुलिस द्वारा एक सकारात्मक कार्य किया जा रहा है। और चलिए अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह को कमलनाथ की जगह नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। सूत्रों की माने तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आगामी चुनाव को देखते हुए उनके पास जिम्मेदारियां बढ़ गई। प्रदेश अध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी में उनकी दोहरी भूमिका हो गई थी। साजापुर शहर में गैस गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई, जहां शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी। वहीं भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष शीतल भावसार ने कहा कि गैस गोदाम के पास आगजनी की घटना घटित हुई है। बहुत लंबे समय से गैस गोदाम को शहरी सीमा से बाहर करने के लिए कई बार प्रशासन को आगाह कराया गया, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया था। आज गैस गोदाम रोड पर फिर हमें हादसा देखने को मिला। ये गोदाम से लगा हुआ ही एक गोदाम में आग लग गई। आज बहुत बड़ी एक जनहानि होने से वापस शहर हमारा बचा है। वो तो मौके पे तुरंत फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मैं बहुत लंबे समय से, राजू शर्मा जी उस समय तत्कालीन कलेक्टर थे, उसी समय से इस गोदाम को शहर से बाहर करने की मांग करता आया हूँ। आज फिर जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि शाहजहाँपुर शहर में स्थित गोदाम को शहर से बाहर किया जाए, ताकि ये हादसा कभी भी हो सकता है। ताकि उस गोदाम के आसपास आज रहवासी क्षेत्र है, कन्या छात्रावास है, एमपीपी, ये दो दो तीन तीन पेट्रोल पंप स्थापित है और कभी भी घटना बड़ी हो सकती है। वहीं सिंगरौली के एनसीएल की ओवर बर्डन कंपनी में कर्मचारियों का शोषण लगातार किया जा रहा है, जिसको लेकर के कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे रही, जिससे परिवार भूखे मरने के कागार पर आ गए। वहीं कंपनी प्रबंधन से पेमेंट मांगे जाने पर कर्मचारियों से मारपीट और FIR कराने की धमकी दी जा रही है। जिन कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ दी, उनको 2 महीने बाद भी उनकी सैलरी कंपनी प्रबंधन ने नहीं दिया, जिसकी शिकायत NCL प्रबंधन को भी दी गई, लेकिन आज तक कर्मचारियों की सैलरी उन्हें नहीं मिली है। जिसकी शिकायत लेकर के कर्मचारी सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीना के पास पहुंचे। वहीं कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की बात कही। हम लोग का पैसा नहीं मिला हुआ है, सारे मैनेजमेंट अधिकारियों से बोल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं करता है। इसलिए कलेक्टर महोदय के आपको सुना करके हम लोग श्रीमान जी से निवेदन करते हैं कि हम लोग का पैसा दिलाया जाए। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह जिला अस्पताल के आकस्मिक निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां अस्पताल पहुंचकर वहां के हालातों के बारे में जाना। वहीं OPD से कई डॉक्टर गायब मिले, दवा वितरण व्यवस्था में भी लापरवाही देखी गई। वहीं कलेक्टर ने अव्यवस्था से नाराज होकर सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा और RMO डॉक्टर जितेंद्र शर्मा का 7 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए। कई और अनुपस्थिति डॉक्टरों का वेतन काटने और कार्रवाई के आदेश भी दिए गए।
देखिए, आज ज़िला अस्पताल का मेरे द्वारा दौरा किया गया और यहाँ पर कुछ कमियाँ पाई गई जिनको सुधारने के प्रयास आगे किए जाएंगे। पहला तो जो सामान्य ओपीडी है उसमें कुछ इंटर्न्स भी बैठते हैं, इंटर्न्स बैठने चाहिए लेकिन उनके द्वारा किसी तरीके का प्रिस्क्रिप्शन जो संबंधित मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे बिना पूछे हुए नहीं लिखा जाना चाहिए, वो चीज़ आज से बंद होगी और केवल मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा ही प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। इसलिए जो संबंधित तीन इंचार्ज हैं, जो स्टोर के इंचार्ज हैं, जो वेयरहाउस के इंचार्ज हैं और जो संबंधित ऑर्डर देने के इंचार्ज हैं, उन तीनों का भी 7-7 दिनों का तनख्वाह काटने का निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।